बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टेस्टी वन और आज हम किचन में बना रहे हैं बेसन के दही बड़े। बेसन लिए हमने 1.5 कप, हल्दी पाउडर लिए हमने आधा चाय के चम्मच, नमक इसमें यूज़ करेंगे हम आधा चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें आधा चाय के चम्मच, लहसुन का पेस्ट चाहिए आधा चाय के चम्मच, बेकिंग पाउडर चाहिए हमें आधा चाय के चम्मच, साबुत सफ़ेद जीरा लेंगे हम 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर चाहिए आधा चाय का चम्मच और पानी इसमें यूज़ करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम डाल देंगे बेसन और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम उसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालना, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इसमें अब हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, इसे हम मिक्स करेंगे और इसे 30 मिनट के लिए हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। तो 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी पाउडर, लहसुन का पेस्ट, नमक और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बेटर हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में तेल डालकर आप उसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लें और चम्मच की मदद से इसमें बड़े डाल दें। तो इसी तरह हम इसमें सारे बड़े डाल देंगे। नहीं, हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो ये फिर जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तीन से चार मिनट लगते हैं इन्हें एक तरफ से फ्राई होने में। तो एक तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और 3 से 4 मिनट ही हम इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। तो 4 मिनट हो चुके हैं, बड़ों को हम अब अच्छी तरह से इनका तेल निकाल कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें अलग से एक बॉल में चाहिए नीम गर्म पानी और उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, उसे मिक्स करेंगे और जो बड़े हमने बनाए थे वो हम इस पानी में डाल देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अलग से एक बाउल में अब हम इनका दही तैयार कर लेंगे। तो दही हम यूज़ कर रहे हैं 2 कप, उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच सफ़ेद जीरे का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें डालेंगे नमक। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बड़ों को पानी में डाले हुए 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद हम इसे पानी से निकाल के अच्छी तरह से इसका पानी निकालेंगे
और ट्रे में रख देंगे जिसमें हमने सर्व करना है। तो इसी तरह हमने सारे बड़े जो हैं वो ट्रे में निकाल लिए हैं। उसके ऊपर हमने जो दही का मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे ताकि बड़े उसमें अच्छे से तरह से डिप हो जाएं। इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा स्प्रिंकल करेंगे। और एक बड़ा हमने बचा लिया था, उसको हम चूरा करके इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल देंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार दही बड़ी रेसिपी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और टेस्टी वन को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।